प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और वहां कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए। पीएम मोदी ने वाराणसी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दीपावली देश के लोग देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को संदेश भेजे। उन्होंने बताया कि इसके लिए लोग 1922 पर मिस कॉल दे सकते हैं और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। 29 सितंबर को जब देश की सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा था। काशी वासियों ने देश के सुरक्षा बलों का जो गौरवगान किया, मां गंगा की आरती को जिस प्रकार से समर्पित किया, यहां के सांसद के नाते आपके द्वारा सेना का इतना सम्मान हो, गौरव हो, तो मेरी खुशियों का कोई पार नहीं रहता। यह आपने जो छोटी दिवाली मनाई थी उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कई वर्षों के बाद 125 करोड़ देशवासी सेना के जवानों को एहसास कराने में सफल हुए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, 125 करोड़ का देश आपके पीछे खड़ा है। अब हम बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं। हम तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, अपनों के बीच खुशियां बांटेंगे, दिए जलाएंगे, अंधेरा हटाएंगे, रोशनी लाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये तब संभव होता है जब किसी मां का लाल सीमा पर तैनात होकर के हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को खपा देता है। और इसलिए छोटी दिवाली मना करके देश को आपने दिशा दी। मैं काशी वासियों से, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, मैं हिंदुस्तान भर के नागरिकों को काशी की धरती से आवाहन करता हूं, इस दिवाली में हम अपनों को जिस प्रकार से शुभकामनाएं देते हैं, हम भी हमारे सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को दीपावली का संदेश भेज करके उनके प्रति हमारे लगाव का एहसास कराना चाहिए। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड में हो, चाहे वो इंडो टिबेटियन फोर्स में हो, चाहे वो असम राइफल में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, हर कोई 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात है। इस दीपावली में हम सबकी तरफ से उनको एक संदेश जाना चाहिए। भेजोगे? आवाज उधर से आ रही है, इधर क्या हो गया? भेजोगे?
सबको अलग अलग पूछना पड़ रहा है, सब लोग एक साथ बताइए भेजोगे कैसे भेजोगे। आप अपने मोबाइल से 1922-1922 इस नंबर पर मिस कॉल करना, वहां आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज से आप नरेंद्र मोदी ऐप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेना के जवानों को संदेश भेजने के लिए एक जगह है, उससे आप संदेश भेजेंगे, देश के सुरक्षा बलों को आपका संदेश पहुंचेगा। तो 1922 नंबर याद रहेगा आपको, याद रहेगा, कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा। देश के सुरक्षा बलों को हर पल लगना चाहिए कि हमारी जवानी हम देश के लिए लगा रहे हैं, देशवासियों को हमारे लिए कितना गौरव है, कितना अभिमान है, ये प्रतिपल अनुभव होना चाहिए। सिर्फ बम बंदूक और गोलियों की आवाज के दरमियान हो ये काफी नहीं है। दुनिया के कई देशों में अगर सेना के जवान, सुरक्षा बल के जवान हवाई जहाज में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो और वहां सब पैसेंजर जब उनको देखते हैं, सब खड़े होकर के तालियों से उनका गौरवगान करते हैं और वो वहां से गुजरते रहते हैं। ये सामान्य स्वभाव बना हुआ है हमारे देश में। विशिष्ट परिस्थिति पैदा होती है, पराक्रम की बात आती है, तब तो वो आ जाता है, सब कुछ भक्ति एकदम से उमड़ पड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ एक आत्मीय, एक गौरवपूर्ण, एक सम्मानजनक नाता जोड़ने का कल्चर हर हमेश बना रहना चाहिए।